मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम झारड़ा में रविवार दोपहर एक युवक उम्र 16 वर्ष अपने साथी के साथ की रितम नदी पार करने के दौरान डूब गया था। जानकारी मिलते ही शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नदी में डूबे युवक को निकालने के लिए एक प्रयास किया, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी नदी में डूबे युवक का कोई पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार युवक खेत से भैंस लेकर नदी पार कर आ रहा था। उसके बाद रविवार शाम से आज लगातार दो दिन नदी में डूबे युवक को खोजने में लगा है। वहीं नदी में प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। आज सोमवार को सुबह से प्रशासन नदी में डूबे युवक की खोज में लगा था। लंबा समय बीत जाने के बाद विकास धनगर नहीं मिल पाया, जिसको लेकर के आज आक्रोशित ग्रामीणों ने मनासा मंदसौर रोड पर प्रदर्शन कर चक्का जाम भी किया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम रोशनी पाटीदार ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर के नदी का स्टॉप डैम को तोड़वाने की बात कही और एलएनटी से स्टॉप डैम की दीवार तोड़ करके पानी निकासी कर समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। कल दिन में 3 बजे दो बच्चे हमारे गाँव के नदी के उस तरफ गए थे, तो रिटर्न आते समय एक बालक तो निकल गया था और एक डूबने की संभावना हुई थी, उसका रेस्क्यू चल रहा है। कल जैसे ही सबको पता चला तो हम सब भी यहाँ आ गए थे और उसके बाद प्रशासन को भी जानकारी दी, टीमें आई थी, तो लगभग अभी तक मिला नहीं है। 8 दिन में फिर वापस डैम को तोड़ने का निर्णय लिया और सारा पानी निकाल रहे हैं, रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही। नावें थी, बोट थे और लोकल के जो हमारे यहाँ चलते हैं तैराक गोताखोर, उन्होंने भी, वो आए थे हमारे पास हरमाला के, फतेहपुर के और जाड़ा ग्राम के जितने भी लड़के हैं। लड़का 14 साल का था, नाम विकास, पिता गोपाल। हाँ, भैंस ला रहे थे, ये हमेशा जाते हैं, खेत उस पार ही है, तो आते समय ऐसा हुआ। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।